सी रात हो रहा है। गुरनाम जी, यहाँ एसएसपी हरिद्वार के यहाँ क्यों आए थे आप? ये पिछले महीने 28 तारीख को हमारे यहाँ की चोरी हुई थी स्कूल में, जिसमें कोई शराबी तत्वों द्वारा ऐसा निशान कर दिया गया जिसके अंदर बस में तोड़ा ताड़ी करी, ऑफिस के ताले तोड़े गए, वो जिस स्कूल का मेन मेन सामान था वो तोड़ा गया, और उसके एक महीना बाद एक महीना बीत जाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कौन लोग थे जिन्होंने ये कार्रवाई करी? अब इसके बारे में तो खैर नहीं पता पूरा, पर जिसने भी करा ये एक विद्यालय हमारा बुधवासी में पड़ता है, लक्ष्मी साहब बंजारा पब्लिक स्कूल है, बिहारीगढ़ के पास में पड़ता है, जिला हरिद्वार में ही है, और एक महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। आपने FIR दर्ज कराई? इसमें FIR दर्ज करवाई हुई है, FIR दर्ज भी है, और उसके बाद एसओ साहब ने हमें एक आश्वासन दिया था कि आप बहुत जल्दी हम इस केस का खुलासा कर देंगे, आप बेचिंत रहिए। एक महीना बीत जाने के बावजूद भी आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम मजबूरन हमें SSP साहब के ऑफिस में कप्तान साहब के यहाँ आना पड़ा, कि इनसे मिलकर हम अपना दुख बताएं कि हमारे को स्कूल चलाने में कितनी समस्या हमारे सामने खड़ी है। अभिभावक हमारे एक महीने से परेशान कर रहे हैं कि एक महीना हो गया स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे आगे रहेंगे नहीं रहेंगे, ये हमारे बहुत बड़ी समस्या कि हम स्कूल को इसको चलाएं या बंद करें। कितने क्लास तक स्कूल है? हमारा 8वीं तक चल रहा है। ये बात तो खैर मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होया होगा, ये थोड़ा बहुत चोरी भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आज हमारे नज़दीक में 2-4 स्कूल भी हैं, किसी स्कूल का कोई ऐसा कोई मैटर हमारे दिमाग वो भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम समझते हैं कुछ ना कुछ किसी का कोई हाथ है। हम शुरू से वहाँ रह रहे, बहुत दिन से स्कूल हमारा 15 से स्कूल चल रहा है। किन का मानते हो, गाँव वालों का या स्कूल वालों का? अब इस बारे में क्लियर तो नहीं है हम किसका हाथ मानते, पर इतना जरूर जानते हैं हम लोग, जिस आदमी ने भी मोटर उस जन्ने बस का शीशा तोड़ा, उसका पेट्रोल निकाला गया, नीचे टैंकी के पूरे तार काट दिए गए और डीजल निकाल के बस में छिड़क के आग लगाई गई, उसके बाद ऑफिस का ताला तोड़ा गया, कितना नुकसान होगा आपका? मेरे हिसाब से 80-90 हज़ार रुपये का हमारा